खास पेशकश में और आज बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की 26th वेल्थ क्रिएशन स्टडीज पे। और इस बार की स्टडी में एक नई थीम आई है जिसका नाम है एटम्स टू बिट्स, यानी ब्रिक एंड मोर्टार से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो वैल्यू ट्रांजिशन हो रहा है, जो वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जी। पहले तो एक छोटा सा बताइए कि जो वेल्थ क्रिएशन की स्टडी में आपने ये 26th एडिशन है, इसकी सबसे खास बात क्या है? देखिए, हर स्टडी अलग होती है इस बार, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि ये एक ऐसा एकदम अप्रोप्रिएट मोमेंट है जब युगांतर होते हैं ना, जी जी, उस टाइप का माहौल है बाजार में। और एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, ये क्या है, एक युग का बदलाव हो रहा है वो एकदम। हाँ, ऐसा है, आपका जो फिजिकल से जो डिजिटल हो रहा है ना, वो अपने आप में, अच्छा, ये बहुत साइलेंट शिफ्ट होगा। देखिए, आप कितना कुछ बदल गया, हमें यही CNBC स्टूडियो द वे इट वॉज इन 95, 97, 98 जब चालू हुआ, और अब बहुत फर्क है, बिल्कुल रीच में बहुत फर्क है, इट्स ऑल डिजिटल। अब ये जो डिजिटल आपका फर्क है, जो भी आपका मतलब पूरा कंट्री जुड़ा हुआ है, 800-900 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, जिसको देखना अभी साइमल्टेनियसली ले सकते हैं, तो ये जो बदलाव जो है वो बहुत साइलेंटली हो रहा है। अब इसके अंदर में जो बिजनेसेस आ रहे थे डिजिटल बिजनेसेस, वो प्राइवेट इक्विटी में था। देखिए, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में मीनिंगफुल रेडी हुआ जब 4G आया, तो वो 5-6 साल पहले हुआ। तो जो जो प्राइवेट इक्विटी में जो नए नए कंपनी सब आए, वो सब प्राइवेट में रहे। सेबी ने एक बदलाव किया कि लॉस मेकिंग कंपनी को भी आप पब्लिक इशू कर सकते हो जी, क्योंकि सब बोले कि भाई हम नासिक चले जाएंगे, तो यहाँ का एक स्टॉक मार्केट क्या बचेगा, तो उसी कारण उन्होंने परमिट कर दिया। अब देखिए, सब जो कंपनी प्राइवेट इक्विटी में होनी थी अभी जी, एज पर द ओल्ड सिस्टम, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट नहीं करते तब आ नहीं सकते थे। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी भी जो है, जो 2-3 साल है अभी प्रॉफिट आने है, वो कंपनी सब पब्लिक में आ गई। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई, अच्छा, प्राइवेट मार्केट का जो रिस्क प्रोफाइल होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत अलग होता है। पब्लिक मार्केट में मतलब सब जनता होती है, तो उनको उतनी समझ नहीं होती है, उतना कंपनी वाले से उतना इंटरेक्शन भी नहीं होता है। कंपनी वाला अपना बिजनेस प्लान बताएगा क्या क्या तकलीफें हैं, प्राइवेट वाला भी उसको एडवाइस करता है कि भाई नहीं, आप ऐसा ना करें, ऐसा करें, ये हमारा ग्लोबल एक्सपीरियंस है। सो वो एक प्राइवेट में डिस्कशन होता है, अब ये पब्लिक में आ गया पूरा। तो ये कैसे समझने का, इसका ये लॉस को कैसे समझने का, या व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट इज गोना हैपन इन नेक्स्ट 10-15 इयर्स। अब हम तो ये बता सकते हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस जो है कि भाई 2000 में आपने देखा होगा रिपोर्ट में, जो प्रॉफिट से टॉप 10 कंपनीज जितने प्रॉफिट थे, उतनी एक कंपनी कमा रही है अभी जी। तो ये जो स्केल चेंज है, अच्छा, वो कंपनी ऐसे नहीं बढ़ गई, वो कंपनी मतलब एकदम वहीं रह गई, छोटी हो गई। तो ये जो बदलाव है, बहुत बड़ा वेल्थ जो आगे क्रिएट होने वाला है, वो डिजिटल कंपनी के माध्यम से हो सकता है। और जो बनाएगा वो नॉट ओनली वो बड़ा होगा, बहुत फास्ट भी होगा जी। तो अग्रवाल साहब, इस पर चर्चा और आगे बढ़ाते हैं, बस मैं एक लाइन और ऐड करना चाह रहा था रामदेव साहब के बारे में। पिछले 3 दशक से अग्रवाल साहब इस बाजार से जुड़े हुए हैं। 26वीं स्टडी आपके सामने मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की वेल्थ क्रिएशन पर आती हुई दिखी है। ओपन आउटक्राई के जमाने में, जब सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था और 250-300 करोड़ रुपए रोज का ट्रांजैक्शन था, तब से अग्रवाल साहब इस बाजार से जुड़े हुए हैं और अब हम लोग लाखों करोड़ों रुपए दिन के हिसाब से ट्रैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पहले गिने चुने समझिए करोड़ 1.25 करोड़ लोग US 64 में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो फोलियो थे उनको गिन के हम लगाते थे। अब ये आंकड़ा 7-8-10 करोड़ रुपए के लोगों के पास पहुंच चुका है। तो बाजार एक्सपैंड कर चुका और नई नई चीजें बाजार में आ रही हैं। रामदेव जी, अब आपका जो स्टडी का जरिया है वो बदलता हुआ दिख रहा है। पहले हम ओल्ड इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर फोकस करते थे, अब आप बिल्कुल डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अक्सर बाजार में ये बात कही जाती है कि ये सारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं, इनको तो लिस्ट ही नहीं होना चाहिए था। इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या बाजार इनका इतना बड़ा है कि ये बात बिल्कुल नजरअंदाज करनी चाहिए? देखिए ये कंपनी वैल्यूएबल है कि नहीं, जस्ट बिकॉज कोई प्रॉफिट कमा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही वैल्यूएबल है। जैसे कोई कंपनी का 25,000 करोड़ का सेल्स है लेकिन 1,000 करोड़ का लॉस है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम। जैसे आपको क्या, देखिए फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो कैपेक्स होता है, जैसे आपने सीमेंट प्लांट लगाया तो 10 मिलियन टन सीमेंट प्लांट लगाएंगे तो आप $1 बिलियन लगेगा, तो आप क्या करते हैं उसको पूरा फिक्स एसेट में डेबिट करते हैं, है ना, बैलेंस शीट में डाल दिया आपने। पीएनएल में क्या है, कुछ नहीं, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ओके, और जब
जैसे आपने चालू किया फैक्ट्री को और आपका 500 का सेल्स हुआ या 5000 का सेल्स हुआ, तो आपका पूरा वो 10000 को जो है, जो $1 बिलियन है, वो आप राइट ऑफ नहीं करोगे। आप क्या करोगे उसमें, उसका 10% अलग है, तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा। 200 करोड़ का आपका पीबीटी होगा, सॉरी पीबीडीआईटी होगा, और उसमें 100 करोड़ का आप डिपेंड लगा, तो 100 करोड़ का नफा हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, देखिए अकाउंटिंग डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आपने पूरा 10000 करोड़ जो है आपने पीएनएल में डाल दिया, 25000। हाँ, क्योंकि आप 25000 को सेल्स कर रहे हैं तो ऐसा खाली हवा में तो नहीं हो जाने वाला ना। हाँ। मेरे पास कस्टमर्स है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास सब कुछ है, बट एवरीथिंग इज रिटर्न ऑफ इन द पीएनएल। ओके, तो वो जो इनिशियल लॉस होता है, जो बिकॉज जो आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे, मान लो 15000 करोड़ लगा सॉफ्टवेयर बनाने का, अब 15000 करोड़ इस साल ही आप पूरा पूरा बाजार में डेबिट कर दो तो कैसे बनेगा वो, लेकिन उसकी कीमत तो अगले 20 साल तक आने वाली ना। जी करेक्ट, जैसे आपका सीमेंट प्लांट अगले 20 साल तक लिए रेलेवेंट है, ऐसे ही यहाँ का जो सॉफ्टवेयर जो बनाया आपने वो अगले 20 साल तक चलेगा, लेकिन आप उसको ईयर वन में ही आप राइट ऑफ कर रहे हो। सो दैट इज, जैसे आपको इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी होता है, आप जो सेल करते हैं 10 साल 15 साल का जो कस्टमर होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है आप अपफ्रंट करते हो, तो इरिडा बोलता है कि आप सबका सब इस साल ही राइट ऑफ करो, तो उससे फिर प्रॉफिट दिखता नहीं। तो उसी कहा जितने LIC की कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है सबके प्रॉफिट जो आपको 2000 करोड़ दिखता है, एक्चुअली 4 या 5000 करोड़ है। सो वही खर्चे आपने पहले ही समाप्त कर दिए जो उस साल का बिजनेस। हाँ, तो जो आप इंश्योरेंस कंपनी 5000 करोड़ 2000 करोड़ प्रॉफिट दिख रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि 2000 करोड़ दिख रहा है। हाँ। लेकिन वही मतलब 2000 करोड़ बदले -2000 हो जाए तो फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। जी करेक्ट। रामजी, आप ये जो स्टडी हम लोग बात कर रहे हैं इसका नाम रखा है एटम्स टू बिट्स, यानी ब्रिक एंड मोर्टार से आप डिजिटल मॉडल पे जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनी, आपने एक तो कहा कि एक अकाउंटिंग का इशू है, दूसरा ये कंपनियां ज्यादातर अभी एक्सपेंशन मोड में रहती हैं, कस्टमर एक्विजिशन करना है, उनको मोनेटाइज करना है, तो कई सारी कंपनियां 10-15 साल से ही काम कर रही हैं, तो अकाउंटिंग को एक पैरामीटर मानते हैं जहां पे दिक्कत है। दूसरा और क्या जंक्शन होगा जहां पे उनको फिर ये रियलाइजेशन अपने बुक्स पे अब लाना चाहिए? देखिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है तो अकाउंटिंग तो अलग नहीं हो सकता ना, तो वो एक अलग चीज है। दूसरा ये कि आपको फंडामेंटली ये समझना पड़ेगा एटम और बिट्स में फर्क क्या है। जो एटम बिजनेस जो बोलते हैं, जो कन्वेंशनल बिजनेस है, तो एक्चुअली वर्ल्ड हैज 3 टाइप्स ऑफ मॉडल। एटम्स विच आर प्योर, जैसे आप स्टोर खोले हो, कुछ नहीं भाई, मैं तो क्रेडिट कार्ड तक लेता, मेरे को कैश में ही पेमेंट चाहिए। जैसे कोई आइसक्रीम कंपनी जाकर देखिए, वो बोलते हैं हम तो बिल भी नहीं फाड़ते, आप कैश में दो ये 10 रुपए का आइसक्रीम और लेके जाओ। सो दैट इज अ कंप्लीटली फिजिकल, बना भी रहा फिजिकल, बेच भी रहा फिजिकल। वहां जाके आप खुद नहीं खरीदो तो खा नहीं सकते आप जी, है ना। सो दैट इज कंप्लीटली फिजिकल। देन यू हैव डिजिटल, से जैसे आपका गूगल हो गया है, या आपके बहुत सारे यहाँ पर भी जो कंपनीज आ रही हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो रहा है, दे आर कम्प्लीटली डिजिटल। आप खरीदते हो, फेसबुक है, दे आर ऑल कम्प्लीटली डिजिटल। सो आप मतलब कस्टमर ऑनबोर्डिंग टिल एंड इवन ब्रोकिंग, इंडियन ब्रोकिंग इज कम्प्लीटली डिजिटल। आई मीन 5 मिनट में आप क्लाइंट बनो और एक दिन के अंदर आप 1,00,000 रुपये कमा के आप पैसे लेके निकल जाओ, तो दैट इज कम्प्लीटली डिजिटल। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग और सब डिजिटल है। सो दे हैव, यू हैव अ एक्सट्रीम ऑफ फिजिकल, यू हैव एक्सट्रीम ऑफ डिजिटल, बट मोस्ट ऑफ द लार्जर बिजनेसेस दे आर फिजिटल। मतलब से लाइक जोमेटो, यू नो देयर डिलीवरी इज फूड, सो विच इज वेरी फिजिकल, बट द इनेबलमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डर, द कनेक्टिविटी द कस्टमर एंड द डिलीवरी गाय, दे आर ऑल थ्रू द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजिटल। द एंटायर इनेबलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ डिलीवरीज पर डे इज पॉसिबल नॉट फिजिकली, द होल थिंग इज मैनेज बाय डिजिटल। तो रामदेव जी, ये बताइए, जो हम लोगों ने वैल्यूएशन पैरामीटर्स पढ़े थे MBA में या 1990s में या सन 2000 में, वो अब इन कंपनीज पर लागू नहीं होते? नहीं, क्यों नहीं होते? सी अल्टीमेटली DCF जो है वो मदर ऑफ ऑल द वैल्यूएशन, बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स। करेक्ट। आप फ्यूचर प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट करते हैं वो आपका प्रॉब्लम है। दैट प्रॉब्लम इज देयर इन द ओल्ड इकोनॉमी आल्सो, ऐसा नहीं कि नए इकोनॉमी में। जी, पीछे देख के ये बोलना कि भाई गूगल ने इतना कमाया वो तो बहुत ईजी है, आप निकाल लो, लेकिन दैट इज द परफेक्ट हाइंडसाइट। लेकिन मेरे को आगे कौन सा जीतने वाला है उसका तो परफेक्ट फोरसाइट चाहिए ना, वो फर्क है। दूरदर्शिता चाहिए, विजन चाहिए, एंड दैट विजन अबाउट कि भाई आज 25000 करोड़ टर्न ओवर किसी कंपनी का है, वो अगले 10 साल में 2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, और उसमें अभी जो -5% लॉस है वो +5% प्रॉफिट हो जाएगा, और वो 2.5 लाख करोड़ में 1.25 लाख करोड़ कमाएगा। ये तो सब विजन की बात है ना।
आपको लगता है जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ये 10-12 कंपनीज फिलहाल लिस्ट हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से 50 से 60 यूनिकॉर्न्स पाइपलाइन में है सेबी के आईपीओ में, उनके पास इतना विजन है? उनके पास डेफिनेटली विजन है, उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनका भी विजन है, बट वॉट सी आगे कौन सा सही निकलता है। देखिए जैसे आप आईटी का रेगुलेशन देखिए, आप 95 में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज केम विद आईपीओ एंड गॉट लिस्टेड, 2000 में क्रैश हुआ, .com बूम बस्ट हुआ, उसके बाद देखिए कितने बचे, मीनिंगफुली 4 ही बचे जी, और बाकी सब सबको वही अपॉर्चुनिटी था, कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम था, कंपनीज क्या नाम है आपका क्लाइंट सेम था, कॉस्ट स्ट्रक्चर था, प्रॉफिटेबिलिटी सबको ऊपर था, लेकिन ओनली 4 or 5 मीनिंगफुली सर्वाइव्ड एंड बिकेम वेरी लार्ज। क्यों? दैट इज द एग्जीक्यूशन चैलेंज।